नमो बुद्धाय नमस्कार। नही वेरे न वेरानी, गुस्से से गुस्से, समन्ति द कुदाचनं, कभी शांत नहीं हो सकता है। ये जीवन का फैक्ट है कि गुस्से से गुस्से कभी शांत नहीं हो सकते हैं। अगर सामने वाला गुस्से में है, मैं भी उनके साथ गुस्से में बात करूं, तो उनका जो गुस्सा है वो शांत होने का कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ जैसे आग में आग डाल रहा है। अगर आग को बुझाना है, मुझे ऐसे मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जिससे आग बुझ जाए। तो उसी प्रकार गुस्से को शांत कराने का ऐसे टेक्निक या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिससे उनकी गुस्सा शांत हो जाए। तो वो फॉर्मूला है, बुद्ध थर्ड लाइन में कहता है, अवेरे निज सम्मति। अगर आप शांति से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उनकी गुस्सा संभावना है कि वो शांत हो जाए, क्योंकि प्यार से गुस्से को शांत किया जा सकता है। गुस्सा का उल्टा प्यार होते हैं। अगर आप प्यार से बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट उनकी गुस्सा शांत हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो इसीलिए किसी की गुस्से को शांत कराने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करनी है कि मैं उनके साथ शांति से और प्यार से बात करें। इसलिए फोर्थ लाइन में बुद्ध ये कहता है, ए सदमो सनातनो, यही संसार का सनातन धर्म है, यही प्रकृति का नियम है। और जो प्रकृति का नियम है, नेचर है, उस नेचर को कोई संसार में बदल नहीं सकता है। चाहे भगवान हो, ब्रह्मा हो, मनुष्य हो, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिससे नेचर को बदल सके। इसलिए जो बुद्धा का टीचिंग, ये नेचर है, नेचर ही बुद्धा का टीचिंग है। जो नेचर को फॉलो करते हैं वो बुद्धा का टीचिंग को सही मायने में फॉलो करते हैं, और जो बुद्धा का टीचिंग को फॉलो करते हैं वो सही मायने में नेचर को फॉलो करते हैं। नेचर और बुद्धा धम्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि बुद्धा सच्चाई के रास्ते में जाते हैं, और जो सच्चाई है उसे कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए जीवन में जब सामने वाले गुस्से में होते हैं, कोशिश करें कि उनके साथ प्यार से, शांति से बात करें। इसलिए कहते हैं, अंधेरे से अंधेरे कभी हटा नहीं जा सकता है, अंधेरे को अगर हटाना है रोशनी चाहिए, रोशनी से ही अंधेरे को हटाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार गुस्से से गुस्से कभी शांत नहीं किया जा सकता है। गुस्से को शांत कराना है तो प्यार चाहिए, प्यार से ही गुस्से को शांत किया जा सकता है। अपनी शांति को, प्यार को मेंटेन करके रखने की कोशिश करें। शांति और प्यार से रहने से सामने वाला का गुस्सा शांत हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मन में क्रोध, गुस्सा वो आने के चांसेस नहीं है। सामने वाला का गुस्सा की वजह से मैं अपने मन को खराब क्यों करूं? ये सोचते हुए हर वक्त ये कोशिश करें कि हम मन में गुस्सा को आने ना दे, हर समय शांति और प्यार से मेंटेन करने की कोशिश करता रहे। नमो बुद्धाय।